नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं हम MB पब्लिकेशन की बुक का सलूशन, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है। और आज आप लोगों को हम SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो करा रहे हैं, उसी की सीरीज़ में हम आज CPO का सेट नंबर 26 MB पब्लिकेशन की बुक से कराने वाले हैं। तो आप लोग MB की बुक जो है वो ज़रूर आप लोग परचेस कर लीजिए, और जितने लोग अगर नहीं भी खरीद रहे हैं तो स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं और उसे नोट कर सकते हैं। रूल्स जो नए नए रूल्स बताए जा रहे हैं, ग्रामर के रूल बताए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज कर सकते हैं अगर पता है आप लोगों को, और अगर नहीं पता है तो उसे कॉपी में लिख करके नोट्स बना सकते हैं। बिकॉज सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से एकदम सिस्टमेटिक वे में वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। MB की बुक जो है वो एक एक करके पढ़ाई जा रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो प्रोनाउन का वो चैप्टर है वो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, और हमने कहा है कि एक दिन MB एक दिन प्रोनाउन की वीडियो कुछ दिन तक पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ते जाना है और पूरे उत्साह के साथ। कुछ लोग पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत ढिलाई बरत रहे हैं, तो उन लोगों से बहुत कहना मेरा यही है सब मिला करके कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हो गया है तो हम पढ़ाई पे ना ध्यान दें। अगर हम पढ़ाई पे नहीं ध्यान देंगे तो फिर ये जो टाइम है ना वो फिर दोबारा नहीं आएगा। अचानक SSC नोटिफिकेशन निकाल करके एग्ज़ाम ले लेगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, अभी से ही पढ़ाई के लिए लग जाना है। बिल्कुल सुस्त बैठना नहीं है हमको, एकदम ये नहीं मान के चलना है कि अब चलो एग्जाम बाद में है तो तैयारी भी बाद में कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी ये मान के चलना है कि मेरे पास इतना टाइम दे दिया गया है कि इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ताकि जितना नंबर हम पहले पा सकते थे उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स हम अब पा सकें, इसके लिए हमें पढ़ाई करना है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से जितना पढ़ाया जा रहा है उसको भी पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ते जाना है, ठीक है। और चीज़ें ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी जैसे प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। जैसे कि मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं, मैं SSC के प्रीवियस ईयर के ही पेपर इसीलिए सॉल्व करा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक पैटर्न मालूम चल सके कि आजकल SSC क्या पूछ रही है, आजकल उसका जो पूछने का तरीका है, जो पूछने का लेवल है वो क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर 26 CPO का है, ठीक है ना। और जितने लोग चैनल पे नए हैं वो पूरी वीडियो देख लें, अगर आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आता है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने लोग पुराने हैं आप लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर करने का काम जरूर कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और चलिए अब हमें जो देखना है, जितने लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम जो बताने वाले हैं वो CPO का सेट कराने वाले हैं SSC का, और सेट नंबर 26, और सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वन वर्ड पूछा जाता है SSC में, ठीक है ना। क्या दिया गया है, ए पर्सन हु ड्रॉज आर प्रोड्यूस मैप्स, जो मैप को प्रोड्यूस या ड्रॉ करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कार्टोग्राफर, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफर, मानचित्रकार बोलते हैं ना, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफर। और ऑप्शन नंबर जो सी है वो कार्टोग्राफर दिया गया है, तो इसलिए आपका कार्टोग्राफर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। पहला दिया गया कैलीग्राफर, जो सुंदर लिखावट को लिखता हो, सुलेखक बोल सकते हैं स्पष्ट हिंदी में, ठीक है, जो एकदम बहुत अच्छे तरीके से लिखता है, कैलीग्राफी होता है ना, सुंदर लिखावट, ठीक है, उसी से कैलीग्राफर बना हुआ है, जो सुंदर सुंदर एकदम लिखावट में लिखता हो, कैलीग्राफर। और कोरियोग्राफर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरेटर, क्यूरेटर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्यूरेटर मीन्स क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखने हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन कौन से हैं। पहला दिया गया इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है किसी चीज में रेगुलर इंक्रीज हो रहा है किसी चीज की मात्रा में या किसी चीज में,
तो होता है वो इंक्रीमेंटल, वृद्धिशील, एकदम एग्जैक्ट हिंदी इसकी क्या होगी, वृद्धिशील, जिसमें लगातार वृद्धि होती रहे, ठीक है ना, जिसमें लगातार वृद्धि होती रहे वो इंक्रीमेंटल है। और अगला दिया गया है एमनेबल, AMENABLE, एमनेबल का मतलब होता है इजी टू कंट्रोल, आसानी से जिसे कंट्रोल किया जा सके, एमनेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया गया है अलाइनमेंट, इसका जो मीनिंग है वो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है, अलाइनमेंट की मीनिंग होगी ALIGNMENT, जो ई लिखा गया है वो एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसे आप लोग हटा दीजिएगा, आपकी स्पेलिंग जो होगी वो सही हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए फेरोसियस, ऑप्शन नंबर डी, हमें मीनिंग भी तैयार करते चलना है, ठीक है ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में अगर चार ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन की मीनिंग भी हमें आनी चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है तो इसमें हम सिर्फ इनकरेक्ट मतलब स्पेलिंग ही देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। फेरोसियस का मतलब क्या होता है, फेरोसियस का मतलब होता है उग्र। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सॉगी, सॉगी का मतलब होता है वेट एंड सॉफ्ट। क्या होता है सॉगी का मतलब, ये जो सॉगी लिखा गया है इसका मतलब होता है वेट एंड सॉफ्ट, एंड क्या सॉफ्ट, ठीक है ना। तो अब देखना है हमें इसका क्या पूछा गया है, अब आप लोग देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया है, यानी कि अपोजिट पूछा गया है, यानी कि सॉगी मींस होता है वेट या सॉफ्ट, तो इसका वेट मींस होता है गीला ना, तो वेट है नम है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ड्राई, ड्राई मींस होता है सूखा, एंटोनिम इसका यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, ड्राई हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, ग्लूमी का क्या मतलब होता है उदास, ठीक है ना, ग्लूमी का क्या मतलब होता है उदास, मेलनचोली मतलब भी होता है उदास, ठीक है, मेलनचोली मींस भी होता है क्या उदास, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग इतनी चीजें। ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है, वो सारी चीजें पढ़नी है हमें, ब्रेक होता है फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक होता है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होता है क्या ब्रोकन। अब ये देखिए आप लोग, ब्रेक से कुछ फ्रेजल वर्ब बनते हैं, एक होता है ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाता नहीं है, पूछा गया है कई बार, सेंध लगाना होता है इसका मतलब, ठीक है ना। दूसरा हमने बताया था इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन इत्यादि का खराब हो जाना या किसी का बीमार पड़ जाना, यानी कि तबीयत खराब हो जाना, ठीक है ना, ये होता है आपका क्या ब्रेक डाउन, ये क्या हो जाता है आपका ब्रेक डाउन हो जाता है किसी मशीन आदि का खराब हो जाना। दूसरा होता है एक ब्रेक आउट, और ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है अगर हम देखें, ब्रेक आउट का मतलब होता है तेजी से किसी चीज का फैलना, किसी चीज का तेजी से फैलना, ये होता है आपका ब्रेक आउट। अगली चीज देखिए ध्यान से पढ़ते जाइए आप लोग, क्योंकि एक चीजों से मैं कई चीजें बताता हूं, तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिए। ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है टू इंटरप्ट, बाधा डालना, ठीक है, टू इंटरप्ट होता है, बाधा डालना, ब्रेक इन ऑन होता है। नेक्स्ट अगर हमें देखना है, ब्रेक है, ठीक है ना, अगर हमें अगला देखना है इन ऑन से, एक होता है कैश इन ऑन, हमने कई बार बताया भी है पेपर सॉल्व कराते समय, आप लोग क्वेश्चन इसका कमेंट करके बताएंगे कि कैश इन ऑन का मतलब क्या होता है। सीपीओ या सीजीएल में 2019 के पेपर में पूछा गया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या करना है ये देख करके आना है, बताना है, 2019 में ही पूछा गया है ये, ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएंगे कैश इन ऑन का मतलब क्या होता है। ब्रेक इन ऑन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें सॉगी हो जाएगा, अनफिट, जो फिट ना हो वो अनफिट, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखना है इक्विपमेंट, ठीक है, और हाँ इनमें इनकरेक्टली वर्ड जो है वो दिया गया है इम्प्लीमेंट, जो है वो इनकरेक्टली इनकरेक्ट लिखा हुआ है, वहां पे होना चाहिए IMPLEMENT, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिस डिजास्ट्रस दिया है, डिजास्ट्रस का मतलब होता है विनाशकारी, डिजास्ट्रस, कैलामिटियस, ठीक है, कैलामिटी मतलब होता है आपदा, कैलामिटी मींस होता है आपदा, डिजास्टर और कैलामिटी, ठीक है, मींस होता है क्या आपदा, कहीं आपदा आई या रिलेट करके ट्रिकी अगर बनाना चाहे तो मिट्टी काली हो गई, यानी कि वहां पे आपदा आई होगी, वहां पे मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा काली हो गई, ऐसे ही कुछ करके हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो कैलोमिटी मीन्स होता है आपदा और कैलामिटियस मीन्स होता है विनाशकारी एकदम। तो डिजास्ट्रस का क्या हो जाएगा, हमें लिखना क्या है, साइनो लिखना है, तो साइनो इसका क्या हो जाएगा, कैलामिटियस, ठीक है ना, कैलामिटस। अगला देखना है हमें नॉइजी, नॉइजी आप लोग जानते हैं शोरगुल भरा, और नॉइजी से हमने एक और वर्ड बताया था पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम मीन्स होता क्या है, पैंडेमोनियम का मतलब होता है आपका शोरगुल भरा, हमने बताया था, पांडे जी बजा रहे हैं हारमोनियम तो बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही रिलेट करके हमने बताया था, आप लोग याद कर सकते हैं यहां से। अगला क्या है, नेक्स्ट जो है वो विक्ड दिया गया है, डब्ल्यू आई सी के ई डी, विक्ड का मतलब होता है वेरी बैड, विक्ड, डब्ल्यू आई सी के ई डी, विक्ड मीन्स होता है वेरी बैड, ठीक है, वेरी बैड, ध्यान दीजिएगा ये सारे मीनिंग जो है वो पूछे गए हैं। तो डिजास्ट्रस का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, एक बॉक्स या केज जो है पिंजरा जो है ऐसे बनता है ना रैबिट या स्मॉल एनिमल को रखने के लिए, उसे हम बोलते हैं हच, उसे क्या बोलते हैं, हच, एच यू टी सी एच, ठीक है ना। अगला दिया गया माद, जहां पे जानवर जंगली जानवर या ऐसे कुछ रहते हैं तो उसे हम लेयर बोलते हैं माद, ठीक है। कैनल दिया गया है, के ई डबल एन ई एल, कैनल मतलब होता है जहां पे कुत्ते रहते हैं, जहां पे कुत्ते रहते हैं उसे हम कैनल बोलते हैं। और अगला दिया गया है, हाँ नेक्स्ट दिया गया है आपका मैनेग्री मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, लिख लीजिएगा इसे। अब यहां पे सही क्या होगा तो आपका हो जाएगा हच, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो क्या है देखिए आप लोग, द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ, उसको क्या बोलते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस, विधि शास्त्र, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधि शास्त्र, ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है वो क्या है, आप लोग इसे कमेंट करके बताएंगे। मैं अक्सर इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड ही कमेंट करने के लिए आप लोगों को देता हूं, कभी भी ग्रामर के वर्ड को नहीं पूछता हूं, ग्रामर के रूल्स को नहीं पूछता हूं, क्योंकि ग्रामर के रूल मैं अक्सर बता दूंगा तो उसमें कई चीजें रिलेट करके मैं बता देता हूं, इसलिए मैं उसे आप लोगों से नहीं कहता हूं। जबकि जो वर्ड मीनिंग है या इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है वो आप लोग गूगल कर सकते हैं, वो आप लोग डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं, वो कहीं भी ढूंढ करके आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसे मैं कहता हूं आप लोगों को कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या दिया गया है, पेडेस्ट्रियंस इज टू बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड्स, ठीक है, तो क्या होना चाहिए वहां पे, पेडेस्ट्रियंस मतलब होता है पैदल यात्रियों, पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियंस लिखा है, पैदल यात्रियों को केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है, व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड, जब बिजी रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो उन्हें जरूर केयरफुल होना चाहिए, वहां पे मस्ट का यूज होगा, मस्ट बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्या दिया गया है देखते, अच्छा यहाँ पे दिया गया है मस्ट बी केयरफुल ना, वर्ब बी के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है, वर्ब बी के बाद एडजेक्टिव का भी यूज होता है, वहां केयरफुल जो है वो एडजेक्टिव है, वहां केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, हाँ केयरफुल हो गया, और केयर से रिलेटेड अगर आप देखना चाहें तो एक होता है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ये होता है आपका टेक केयर ऑफ, ठीक है ना। एक होता है केयर फॉर या अबाउट, एक क्या होता है केयर फॉर या अबाउट, केयर फॉर या अबाउट इसका मतलब होता है किसी की परवाह करना, इसका मतलब क्या होता है किसी की परवाह करना। नेक्स्ट देखते हैं हम क्योर ऑफ, किसी चीज का इलाज होना, 2016 में पूछा गया क्योर ऑफ डीफनेस करके क्वेश्चन था, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था वो, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया था, ठीक है, 2016 के सीजीएल में। क्योर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का इलाज होना, किसी चीज का इलाज होना, ये आपका होता है क्या, क्योर ऑफ, ठीक है ना। और हमें जो क्योर, केयर हो गया, टेक केयर ऑफ हो गया, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना यानी कि लुक आफ्टर,
टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना, यानी कि लुक आफ्टर, ठीक है। अगर हम लुक के ही फ्रेजल वर्ब की बात करें तो लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। लुक आउट का मतलब क्या होता है, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लुक फॉर और लुक आउट, ठीक है, ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताएंगे। काफी चीजें मैं देता हूं, आप लोग कुछ ही लोग कमेंट करके बताते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि लगभग जितने लोग देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप लोग इसी के आगे क्वेश्चन मार्क लिख करके अगर भेज देंगे तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा अवेयर रहिए और पढ़ते रहिए इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज स्विच्ड ऑफ, ठीक है ना। क्या दिया गया है, नो सूनर, और नो सूनर के बाद लिखा हुआ है डिड। क्यों लिखा है डिड, क्योंकि नो सूनर से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां पे इन्वर्जन लगता है। एक बार मैं फिर से यहां पर लिख करके आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड्स गैदर, ठीक है, द डार्क क्लाउड्स गैदर, और आगे क्या लिखा हुआ है, इन द स्काई व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज स्विच्ड ऑफ, इन द स्काई, चलिए व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज स्विच्ड ऑफ। जो भी कुछ लिखा हुआ है हमें एक बात ध्यान देना है, नो सूनर के बाद हम किसका यूज करते हैं, सूनर कंपैरेटिव डिग्री है ना, नो सूनर के बाद हम देन का यूज करते हैं, नो सूनर के बाद हम किसका यूज करते हैं, देन का, सून जो है वो सून की कंपैरेटिव डिग्री होती है सूनर, ठीक है ना, तो सून पॉजिटिव डिग्री होती है, सूनर कंपैरेटिव डिग्री होती है, नो सूनर के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा। हमने कई चीजें बताई थी आप लोगों को, वो क्या क्या है, हार्डली बेयरली और स्कॉर्सली, ठीक है, स्कॉर्सली, उसके बाद नेवर सेल्डम, ठीक है ना, उसके बाद नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन, हार्डली स्कॉर्सली के साथ लगता है व्हेन, नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन का यूज होता है, ठीक है ना। ये जो हार्डली स्कॉर्सली नेवर सेल्डम है, इनके साथ हम कभी नॉट का यूज नहीं करते हैं या नो का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर नो लिखा गया है तो उसके जगह पे हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीजें पूछी जाती हैं बार बार, तो आप लोगों को जानकारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोथ के साथ हम एंड का यूज करते हैं, बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं, अदर के साथ देन का यूज करते हैं, अदर देन, ठीक है ना, एल्स के साथ बट का यूज करते हैं, तो चीजें ये जो है वो पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर के साथ आर का, नहीं के साथ नार का यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि ये जो हार्डली स्कॉर्सली नेवर सेल्डम नो सूनर है, अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है, क्योंकि ये एडवर्ब होते हैं ना, अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां पे लगता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है, और फिर लिखी जाएगी क्या, वर्ब लिखी जाएगी उसकी। तो हमें ध्यान देना है कि क्या हो जाएगा, यहां पे सही लिखा हुआ है नो सूनर, फिर इन्वर्जन लगा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखी गई है। नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता है, इस क्वेश्चन में यही एरर है। नो सूनर के साथ किसका यूज होता है, आपका देन का यूज होता है। आ रहा है, चलिए ठीक है, तो हमें इतनी चीजें देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल होता है, हमने बताया है इलेक्ट्रिसिटी वाज है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, रिसर्च अनकाउंटेबल नाउन है, 2018 में पूछा गया है। आप लोगों को मैं बार बार ये याद दिलाता रहता हूं, क्योंकि हाँ ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, फैटिक का मतलब होता है थका हुआ, फैटिक का क्या मतलब होता है, थका हुआ होता है,
और पहला दिया गया एनर्जी, दूसरा दिया गया वार्म्थ, वार्म गर्मजोशी एकदम, ठीक है ना। लाइटनेस और टायर्डनेस क्या लिखना है, फैटिक का साइनो लिखना है। ये बिना चेक किए आंख बंद करके लगाने वाली आदत नहीं रखिएगा आप लोग। अगर हमें ध्यान देना है फैटिक, तो फैटिक का फिर आना है साइनो पूछा गया है। साइनो क्या हो जाएगा, फैटिक मीन्स थका हुआ, वेरी है ना, और वेरीनेस टायर्डनेस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बी लेफ्ट इन द लर्च। बी लेफ्ट इन द लर्च का मतलब क्या है कि किसी को मुसीबत में छोड़ देना, ठीक है, किसी का मुसीबत में किसी का साथ छोड़ देना, बी लेफ्ट इन द लर्च, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी डेजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल, ठीक है, बी डेजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल, ठीक है, इन ट्रबल होता है, लिख लीजिएगा एक सेट फ्रेज, ठीक, इन ट्रबल। आगे देखते हैं, बी टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग ओवर अगेन एंड अगेन, ये तो होगा नहीं, आपका बी ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अचानक किसी, मतलब छोड़ देना किसी का साथ, किसी को मुसीबत में छोड़ देना, ये होता है आपका, ठीक। अगला क्या दिया गया है, और नेक्स्ट दिया गया ऑप्शन नंबर सी, देखिए, कीप रिपीटिंग समथिंग, किसी चीज को रिपीट करते रहना। कीप के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, हमने बताया भी है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं सरप्टीसियस, सरप्टीसियस का मतलब होता है छल से कोई चीज किया हुआ, ठीक है, सेक्रेटरी बोल सकते हैं, साइनो इसका सेक्रेटरी हो जाएगा। एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव, आक्रामक हो जाना, ठीक है। स्पेसियस बहुत ज्यादा जगह, स्पेसियस बोलते हैं। एडवेंचरस आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, काफी चीजें मैं देता हूं तो उसे वन बाई वन कमेंट करके आप लोग बताते रहा करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, इंडियन फिल्म्स हैव डैश एडेड न्यू एडेड, हाँ, एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी इनटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग्स, तो क्या हो जाएगा, इंडियन फिल्म्स ने क्या किया है, ऐड किया है कैसा नेचर, एडेड नेचर फ्रीक्वेंटली, है ना, इंडियन फिल्म्स हैड फ्रीक्वेंटली एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी इनटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग। अगला दिया गया फ्रेटफुल्ली, ऑप्शन नंबर बी, फ्रेटफुल्ली का मतलब होता है रेस्टलेसली, नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहां पे फ्रीक्वेंटली सही होगा, रेस्टलेसली जो है वो आपका होता है फ्रेटफुल्ली मीन्स होता है, ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन नंबर 21, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब होता है चाइड, रिव्यू, है ना, रेप्रीमेंड, स्कॉल्ड, इन सब का मतलब क्या होता है, डांटना, ठीक है। और हाँ, ऑप्शन में भी दिया गया है, चलिए रिव्यू दिया ना, REBUKE, यही होता है। स्कॉल्ड मीन्स भी डांटना होता है, ठीक है, रिव्यू मीन्स भी होता है, स्कॉल्ड मीन्स भी डांटना होता है। और अगला देखते हैं, कंप्लीट दिया है, कंप्लीट तो आप लोग जानते ही हैं, और रिपीट जानते हैं आप लोग, किसी चीज को रिपीट करना, और कमांड मीन्स कमांड देना, आदेश देना, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कंप्लीट से याद आया मुझे, कंप्लीटली एक होता है ऑल टुगेदर, ये पूछा गया है 2019 में ही पूछा गया है, एक होता है ऑल टुगेदर, ये जो ऑल टुगेदर है ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर या कंप्लीटली भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो होता है आपका ऑल टुगेदर। वहां पे क्वेश्चन जो था वो दिया गया था शायद 2018 में पूछा गया है, उसमें क्वेश्चन था कि सभी जो खिलौने थे वो एक साथ रखे गए थे, ठीक है ना, और उसमें दिया गया था ऑल टुगेदर, ये भी ऑप्शन में था और ये भी था, नहीं नहीं वो एरर का क्वेश्चन था, उसमें ऑल टुगेदर ये लिख करके दे दिया गया था, सभी खिलौने जो है वो एक साथ रखे गए थे, तो यहाँ पे एक साथ के लिए कुल मिलाकर नहीं रखे गए थे, एक साथ रखे गए थे, ऑल का मतलब सभी और टुगेदर का मतलब साथ साथ, तो ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी साथ साथ, ठीक है ना, तो सभी टॉयज जो है वो ऑल टुगेदर रखे गए थे, एक साथ रखे गए थे, इस तरह से मिक्स रखे गए थे कि वो एक दूसरे में मिल गए थे, यही क्वेश्चन 2018 में सीपीए या सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है, तो ये नोट करते चलिएगा, ये एडवर्ब होता है ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर या कंप्लीटली, कंप्लीट से याद आया तो मैं बता दिया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, रेप्रीमेंड हो गया, चलिए ठीक है। अगला इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है,
ओकेजन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, OCCASION होता है, ठीक है ना। वॉयलेंस हिंसा आप लोग जानते होंगे। रिजेंबलेंस, रिजेंबलेंस का मतलब होता है किसी, रिजेंबल का मतलब आप लोग जानते हैं ना, रिजेंबल का मतलब किसी की तरह दिखना, ठीक है। रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है किसी के समान दिखना, और इसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं जिसके समान दिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन रिजेंबलेंस के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, लेकिन रिजेंबलेंस के साथ हम किसका यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन। रिजेंबलेंस 2016 में पूछा गया है सीजीएल में, ठीक है, रिजेंबलेंस के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ इसी में दिया गया है आपका, रिजेंबलेंस के साथ हमने बताया टू। फियर्स, फियर्स क्या होता है, फियर्स का मतलब होता है उग्र, ठीक है, बहुत ज्यादा। अच्छा, फियर्स कंपटीशन भी होता है, फियर्स कंपटीशन, कड़ी प्रतिस्पर्धा चाइनीज सामानों के बीच और भारतीय सामानों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मेलोडी, ठीक है, और मेलोडी का मतलब होता है कोई डिजीज या रोग। फियर्स मींस होता है, हाँ, टफ कंपटीशन, या फियर्स कंपटीशन का लिख लीजिएगा आप लोग, कड़ी प्रतिस्पर्धा, कड़ी प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना। और ये शायद 2018 में पूछा गया, सेट नंबर 18 में जाकर के आप लोग देखिएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में देखिएगा आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 10-12 जो भी हो याद नहीं है, सेट नंबर 18 में 2018 के आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर के देखिएगा। फियर्स कंपटीशन करके क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में दिया गया है, फियर्स दिया गया है, और उसमें पावरफुल भी शायद ऑप्शन में है, ठीक है ना, तो जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा, यहां सॉल्व कर लीजिएगा इसे। फियर्स कंपटीशन का मतलब कड़ी प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेलोडी मींस क्या होता है, रोग होता है, और हमें साइनो लिखना है तो इलनेस हो जाएगा। मिस्चीफ, मिस्चीफ अनकाउंटेबल नाउन होता है ये। विक्डनेस, विक्ड का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, वेरी बैड होता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस आप लोग जानते हैं, ठीक है, पढ़ाई में बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके का डिस्टर्बेंस होता है। अगला देखते हैं हम, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखने हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहां से आप लोगों को इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप लोग कमेंट करके बताएंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोगों के है, इसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है ओनली वन कॉपी ऑफ बुक, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इन टू 1200 पेजेस ऑन गांधीजीज विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ, ठीक है। देखिए किस तरह से इतना आसान क्वेश्चन और इतने लंबे सेंटेंस में दिया गया है, ये मैं सेंटेंस लिख करके बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। लिखा गया है ओनली वन कॉपी, ओनली वन कॉपी, फिर लिखा गया है आपका ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑफ द बुक, ठीक है, फिर लिखा है क्या, रनिंग इनटू 1200 पेजेस, रनिंग इंटू 1200 पेजेस, ठीक लिखा हुआ है, यहां तक तो सारी चीजें सही लिखी हुई है। 1200 उसके बाद पेजेस होगा, ऑन गांधीजीज विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑन गांधीजीज, गांधीजीज विजिट और टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ, द स्टेट ऑफ, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ, ठीक है, रिमेन नाउ, ये दिया गया है। और आपका कॉमा कहां कहां लगा है वो भी देखना जरूरी है, कॉमा लगा है आंध्र प्रदेश और बुक के बीच है, बुक से कॉमा लगाया गया है और आंध्र प्रदेश तक कॉमा लगा है। हमने जब न्यूज़पेपर की वीडियो अपलोड की थी, आप लोग जितने लोग शुरू से देख रहे हैं, हमने ये बताया था कि आप लोग कॉमा से कॉमा की चीजों को ब्रैकेट में कर लिया करें तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे ही हमने इस कॉमा से इस कॉमा तक की चीजों को ब्रैकेट में किया, हमें मालूम चला कि ऑफ एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट है ओनली वन कॉपी, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले वाले को हम सब्जेक्ट मानते हैं, यानी ओनली वन कॉपी सब्जेक्ट है,
और ये तो बीच में जो वर्ड लिखा गया है वो कॉमा ब्रैकेट में हो गया। ओनली वन कॉपी अगर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, क्या रिमेन आएगी या रिमेन्स आएगी, तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि यहाँ रिमेन नहीं होगा, क्योंकि रिमेन तो प्लरल वर्ब लिखी गई है, इसे सिंगुलर बनाने के लिए यस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे रिमेन्स हो जाएगा। ओनली वन कॉपी, कॉपीज तो है नहीं क्योंकि ओनली वन लगा हुआ है तो कॉपी ही होगा, और ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ एक और चीज हमें सीखने को मिलेगी, ये गांधी जी विजिट जो लिखा हुआ है उसके बाद लिखा है टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, विजिट और अप्रोच, विजिट और अप्रोच, ठीक है, अगर ये वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, हमने बताया है, और अगर ये नाउन है तो इनके साथ टू प्रीपोजिशन आता है। जहां को विजिट करते हैं, जिस जगह को विजिट करने, ए विजिट टू अमेरिका, ए विजिट टू अमेरिका। अब यहां ये कैसे आप लोग मालूम करेंगे कि ये नाउन है या वर्ब है, तो देखिए एपोस्ट्रॉफी का जो यूज होता है वो दो नाउन के बीच होता है, इसका मतलब गांधी जी भी नाउन है और विजिट भी नाउन है, इस तभी तो एपोस्ट्रॉफी लगा है, क्योंकि दो नाउन के बीच में ही एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, इसका मतलब ये विजिट क्या हुआ, नाउन हुआ, और अगर विजिट नाउन है तो आगे उसके साथ जहां पे विजिट करेंगे हम उनके बीच में हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। सेम यही काम अप्रोच के लिए होता है, ठीक है ना। हाँ, अटैक के साथ भी यही होता है, अटैक के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है आपका ऑन लगता है, ठीक है, अटैक ऑन, ऑन कब लगता है, अटैक जब वर्ब होगी तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अगर वर्ब है अटैक तो कोई प्रीपोजिशन लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, और अगर अटैक नाउन है तो उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑन, उनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इम्फेसिस के साथ भी ऑन लगता है, अगर वर्ब है, अगर नाउन है तो, नाउन है तो ऑन लगता है और वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अगर आप प्रीपोजिशन की प्लेन टू पैरामाउंट की बुक सॉल्व करेंगे तो काफी चीजें यहां से मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है ना, और इम्फेसिस उसमें दिया गया है, क्वेश्चन आप लोग जाकर के ढूंढिएगा, प्रीपोजिशन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से देखिए, श्याम स्टडीड इन मॉस्को सिंस 10 years। अब बताइए आप लोग, व्हेन हिज फादर वाज पोस्टेड देयर फ्रॉम 1976 टू 1985। दिया गया श्याम स्टडीड इन मॉस्को, श्याम ने पढ़ाई की तो स्टडीड लिखा है, सही लिखा है, इन मॉस्को, मॉस्को प्लेस का नाम है, बड़े प्लेस के नाम के पहले इनका यूज करते हैं इसलिए इन मॉस्को भी सही लिखा है। सिंस 10 years, अब ये बताइए आप लोग क्या सिंस 10 years होगा, 10 साल जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, तो वहां पे फॉर 10 years होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, फॉर 10 years हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पे एक बात और हमें देखनी है, क्या तो कौन से पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, सिंस 10 years वाले पार्ट में हो जाएगा, सिंस के साथ सिंस जो है वो स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जैसे सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस 11 o'clock, ठीक है ना, सिंस 11 p.m. या 11 p.m. ठीक है, मोबाइल पे बात करने का समय, सिंस 11 p.m. ठीक है, 11 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक, क्यों, तो हमें ध्यान देना है कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि फिक्स टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जैसे कि फॉर 2 days, 2 दिनों से, ठीक है ना, फॉर 3 years, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, सिंस का नहीं करते हैं, समय अवधि अगर है, ठीक है ना, तो यहां पे क्या यूज होगा आपका, फॉर का यूज होगा। यहां पे दिया गया फ्रॉम 1976 टू 1985, हाँ, और एक बात ध्यान देना, तो यहां पे सिंस के स्थान पे फॉर हो जाएगा। दूसरी बात देखो, फ्रॉम के साथ टू का यूज होता है, तो यहां पे दिया गया है फ्रॉम 1976 टू 1985, क्योंकि फ्रॉम के साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक है। बात इतनी आप लोगों को समझ में आई कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। धीरे धीरे अभी कमेंट आया था किसी का कि सर वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी कर दीजिए, 1 घंटे की वीडियो बनाया कीजिए, अच्छा लगता है, जी हाँ, जल्दी ही वीडियो आपको 1 घंटे की भी बनेगी, वीडियो पहले की तरीके से बनना स्टार्ट होगी, जैसे पहले पढ़ाया जा रहा था, बशर्ते आप लोग बस
इसी लय के साथ, इसी लगन के साथ, जुनून जोश के साथ आप लोग पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि चीजें ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका सबूत है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते जाना है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप लोग उसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, जितने लोग पुराने हैं, ठीक है, एक पूरी फैमिली हम लोगों की बन चुकी है, ठीक, तो जितने लोग पुराने हैं वो वीडियो को, नए या पुराने जितने भी लोग हैं हमारी फैमिली में, ठीक है, आप सभी लोगों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और नोट्स बना करके पढ़िए जरूर, शेयर भले मत कीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना, और पढ़ाई करते जाइएगा, क्योंकि जो भी काम आने वाला है आपका वो नोट्स ही आएगा, वो ये जो प्रैक्टिस एक तरीके से आप लोगों की हो जा रही है वो प्रैक्टिस ही काम आएगी। इसलिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू कई चीजें बताता रहता हूँ, कई चीजें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिलेट करता रहता हूँ। आप सिर्फ 2019 के क्वेश्चन पेपर को नहीं सॉल्व कर रहे होते हैं, आप 2018, 2017, 2016, 2015 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, मैं बार बार बताता जाता हूँ। तो आप लोग इस तरीके से बेहतर तरीके से आप लोगों को जितनी भी नॉलेज दी जा रही है उसका सही ढंग से उपयोग करते हुए आप लोग पढ़ते हुए जाइए। वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग सेलेक्ट होंगे, बशर्ते आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाई करनी रहेगी। बहुत लोग अभी पढ़ाई बंद कर चुके हैं क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो ऐसा नहीं करना है, वरना बाद में पछताने वाला काम मत कीजिएगा। आप जरूरी नहीं कि चैनल पे ही पढ़िए, आप घर पे ही पढ़िए, बशर्ते मतलब पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए ही रखिए, ठीक है, पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ाई का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो क्योंकि धीरे धीरे चीजें और अच्छे लेवल पे जा रही हैं, तो चीजों को उसी लेवल तक पढ़ना भी जरूरी है ना। तो आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए और आराम से मोटिवेट रहिए। एक आध दो मोटिवेशनल वीडियो, एक आध एक वीडियो देखा कीजिए। बात यह होती है ना कि मोटिवेशनल वीडियो हम देखते देखते डिमोटिवेट हो जाते हैं, सो जाते हैं लोग, इतना मोटिवेट, या तो रात में देख लेंगे, या तो आप देख लोगे 11 बजे मोटिवेशनल वीडियो देखे 2 घंटे, ठीक है, एक आया, दूसरा आया, तीसरा, ऐसे 2 घंटे वीडियो देखते चले गए, थक गए, एट लास्ट नींद आ गई, या तो नींद इतनी इतने मोटिवेट हो गए कि नींद ही नहीं आई, सुबह क्लास मान लिया है तो क्लास भी नहीं जा पाए, या ऐसा कुछ नहीं हो पाए, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, बस 10 मिनट मोटिवेशनल वीडियो काफी होता है, आप लोग देख करके उसके बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग कीजिए, कोई भी दिक्कत अगर पढ़ाई में आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। सो थैंक यू।